नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए जोश और नए उत्साह के साथ एक नई चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट फायरिंग। यह चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। दोस्तों मैं आज यहाँ पर उन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा जो कि आपके सिलेबस में है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। और यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ऐप पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि शॉर्ट फायरिंग जो कि आपका सब्जेक्ट का टाइटल है उसे किसे कहते हैं। तो शॉर्ट फायरिंग कहने का मतलब है किसी भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने से पहले हमें ड्रिलिंग करना पड़ता है। ड्रिलिंग करने के बाद हम उस होल में पार्टिकुलर होल में एक्सप्लोसिव को प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद हम स्ट्रीमिंग करके उस होल को पूरा फिक्स कर देते हैं ताकि जो हमारा एक्सप्लोसिव है वो बाहर ना निकले। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लोसिव को हम लोग केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और एक्सप्लोडर में जाके कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक्सप्लोडर को हम जैसे ही उसका जो की है उसको रोटेट करते हैं तो जाके हमारा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो पाता। कहने का मतलब है वैसा प्रोसेस जिसके बाद हमारा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो उसी को हम शॉर्ट फायरिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ब्लास्टिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव इज नोन एज शॉर्ट फायरिंग। अब समझते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है ड्रिलिंग पैटर्न्स फॉर शॉर्ट फायरिंग, यानी कि किसी भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने से पहले हम कौन सा पैटर्न का ड्रिलिंग करते हैं ताकि जो हमारा एक्सप्लोसिव है वो इफेक्टिव ब्लास्टिंग हो पाए। तो सबसे पहला आता है दोस्तों ड्रिलिंग पैटर्न्स में वेज कट, फिर है फैन कट, फिर है बन कट, कॉर्मेंट कट, कोन कट, ड्रैग कट। ये सारे थे ड्रिलिंग पैटर्न्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेज कट किसे कहते हैं, उसके बाद इन्हीं सारे टॉपिक्स को एक एक करके समझते हैं। अब देखते हैं कि वेज कट जो कि आपका ड्रिलिंग पैटर्न का ही एक पार्ट है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेज कट किसे कहते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। दोस्तों वेज कट का प्रयोग सॉलिड ब्लास्टिंग के तौर पर होती है और सॉलिड ब्लास्टिंग हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं। वेज कट में हम दो या दो से अधिक होल को इस प्रकार ड्रिलिंग किया जाता है ताकि उसका जो पीछे वाला भाग है वो एक दूसरे से कन्वर्ज हो सके, मिल सके, और इन दोनों होल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। जब इन्हें सेम डिले डेटोनेटर से ब्लास्ट किया जाता है तो यह एक वेज शेप ओपनिंग को फॉर्म करती है। जब इन होल्स को हम ब्लास्ट करते हैं तो यहाँ पे फ्री फेस जनरेट होता है और फ्री फेस होने की वजह से जो हमारा ब्लास्टिंग है वो इफेक्टिव हो पाती है। इस कर्न पैटर्न में पुल जो होता है, यानी कि पुल का मतलब होता है रेट ऑफ एडवांसमेंट, वह कम होता है, लेकिन इसको इंक्रीज करने के लिए हम एक स्टेबल इंक्लाइन होल को ड्रिल किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वहाँ पे एक स्टेबल इंक्लाइन होल को ड्रिल किया जाता है जो कि हमारा रेट ऑफ एडवांसमेंट है उसको इंक्रीज कर देता है। सॉफ्ट रॉक को ब्रेक करने के लिए हम वेज कट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि फैन कट किसे कहते हैं। होल्स आर ड्रिल्ड इन फैन शेप्ड, यानी कि होल्स को हम फैन शेप्ड में ड्रिल करते हैं और इसका जो होल्स है वो सेंटर के टुवर्ड्स इंक्लाइन होना चाहिए। इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक, इसे हम सॉफ्ट रॉक को ब्रेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं फैन कट को। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे डायग्राम में फैन शेप्ड का ड्रिलिंग किया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शॉर्ट फायरिंग टूल्स, यानी कि किसी भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए हमें कौन कौन सा टूल्स का यूज़ होता है उसे हम देखते हैं। दोस्तों CMR 2017 के अनुसार उसमें रेगुलेशन नंबर 191 में शॉर्ट फायरिंग टूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट फायरिंग टूल्स में आता है वो है एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर के थ्रू ही हम किसी भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर पाते हैं। और एक्सप्लोसिव एक्सप्लोडर से कैसे कनेक्ट होगा, तो उसे हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं।
किसी भी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने से पहले सबसे पहला होता है कि ड्रिलिंग करना, और ड्रिलिंग कर लेने के बाद दोस्तों हम उस पार्टिकुलर होल में सबसे पहला क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग किसके द्वारा करते हैं, तो स्क्रैपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे खुरचनी बोलते हैं, उसके द्वारा उस होल को साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद दोस्तों उस पार्टिकुलर होल में फिर से हम डिटेक्ट करते हैं क्रैक्स के, यदि वहाँ पे कहीं दरार होगा तो फिर जो हमारा ब्लास्टिंग होगा वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि देखना पहले कि कहीं क्रैक्स तो नहीं है। उसके बाद है कि इनफ्लेमेबल गैस को जांच करने के लिए मिथेनोमीटर का प्रयोग होता है। ये सभी चीज़ें कर लेने के बाद दोस्तों हम उस पार्टिकुलर होल में एक्सप्लोसिव को इंसर्ट करते हैं, यानी कि उस होल्स में एक्सप्लोसिव को डालते हैं। जब एक्सप्लोसिव को डालते हैं तो साथ ही साथ उसके साथ हम स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग करने का मतलब है कि जब हम एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करेंगे तो वो बाहर की ओर फेंक ना दे, इसके लिए हम उसे बचाव के लिए हम स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग करने से हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो टाइटली पैक हो पाता है, मतलब कि पैक रहता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता स्ट्रीमिंग के द्वारा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रीमिंग कर लेने के बाद, वो होता है कि डिले डेटोनेटर को सीक्वेंस वाइज में कनेक्ट करना एक दूसरे से। तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो केबल वायर के थ्रू हम उसे कनेक्ट करते हैं। केबल वायर के थ्रू हम एक्सप्लोडर में कनेक्ट करते हैं, और जब हम एक्सप्लोडर में कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारा जो शॉर्ट फायरर है वो विसल बजा के, यानी कि सीटी बजा के और साउट करके चिल्ला करके वो बोलता है सावधान सावधान या फिर होशियार होशियार। इसका मतलब है कि अब ब्लास्टिंग होने वाली है, तो जो भी फेस पे है वो वहाँ से हट जाए। इसलिए जो शॉर्ट फायरर होता है वो ऐसा आवाज़ लगाता और विसल बजाती है। ये सभी थे शॉर्ट फायरिंग टूल्स। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमिंग चार्ज। अब देखते हैं कि प्राइमिंग का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग डेटोनेटर टू एक्सप्लोसिव कैटरेज इज नोन एज प्राइमिंग। दोस्तों इसके पहले वाला वीडियोस में मैंने काफ़ी बार कैटरेज शब्द का चर्चा किया। कैटरेज का मतलब होता है कवर, बाहर का सरफेस। तो एक्सप्लोसिव के अंदर हम डेटोनेटर को इंसर्ट करते हैं, उसी को हम प्राइमिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग डेटोनेटर टू एक्सप्लोसिव कैटरेज इज नोन एज प्राइमिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, देखते हैं कि हम कैसे एक्सप्लोसिव के अंदर डेटोनेटर को इंसर्ट करते हैं। स्टेप फॉर प्राइमिंग चार्ज। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है, होता है एक्सप्लोसिव कैटरेज के अंदर में एक होल किया जाता है, और होल हम प्रीकर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। होल कर लेने के बाद हम डेटोनेटर को कम्प्लीटली उसके अंदर में इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि उस एक्सप्लोसिव कैटरेज के अंदर हम डेटोनेटर को पूरा डाल देते हैं। डाल देने के बाद दोस्तों हम जो डेटोनेटर का वायर है उसे बैक फ्लैप कर करके उसका जो लीड वायर है वो इसको ऐसे मतलब कि कर देते हैं ताकि वो जो हमारा डेटोनेटर है वो बाहर निकले ना, इसलिए हम बैक फ्लैप करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमने किया कैटरेज के अंदर एक होल किया बाय प्रीकर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और नेक्स्ट स्टेप हमने किया कि डेटोनेटर को उसके अंदर में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आप दोस्तों डायग्राम में देखें, थ्री पॉइंट में हमने क्रिएट अ फ्लैप किया, एक वायर को मोड़ दिया कुछ इस प्रकार से। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमारा जो डेटोनेटर है वो बाहर निकले ना, इसलिए हम वहाँ पर फ्लैप क्रिएट अ फ्लैप किए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है चार्जिंग ऑफ होल इन अंडरग्राउंड वर्किंग, यानी कि दोस्तों हम होल्स के अंदर में कैसे एक्सप्लोसिव को डालेंगे उसको हम देखेंगे। तो दो तरह से एक्सप्लोसिव को होल के अंदर में इंसर्ट किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट इनिशिएशन और दूसरा होता है इन्वर्स इनिशिएशन। अब देखते हैं कि डायरेक्ट इनिशिएशन कब करते हैं। कोयला जब मीडियम कड़ा होता है तो हम उस टाइम डायरेक्ट इनिशिएशन का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कि डायरेक्ट इनिशिएशन कैसे करते हैं।
दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक होल किया। होल करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट इनिशिएशन में सबसे पहला काम है वो है होता है एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज को सबसे पहले इंसर्ट करना उस होल में। जब हमने एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज को उस होल में इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद दोस्तों डेटोनेटर का जो वायर है उसको हम होल के तरफ मुंह करके छोड़ देते हैं और उसके बाद हम स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग करने का मतलब होता है कि हम उसे उस एक्सप्लोसिव को पैक कर देते हैं ताकि वो बाहर निकले ना। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट इनिशिएशन किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट इनिशिएशन जस्ट उल्टा होता है डायरेक्ट इनिशिएशन का। आप डायग्राम में देखें कि सबसे पहला हम इस होल में डेटोनेटर को इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों हमारा जो प्राइम जो एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज है उसको हम इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के बाद हम फिर से स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग करते हैं इसलिए है क्योंकि हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो बाहर निकले ना जब हम चार्ज करें उस होल को, तो इसलिए हम स्ट्रीमिंग करते हैं। तो वो बाहर निकले ना इसलिए हम स्ट्रीमिंग करते हैं। और ठीक वैसे ही डेटोनेटर का जो वायर है उसको हम होल के मुंह तरफ करके रख देते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसीड्योर ऑफ शॉर्ट फायरिंग इन अंडरग्राउंड गैसी माइंस, यानी कि शॉर्ट फायरिंग करने का कौन कौन सा प्रोसेस होता है अंडरग्राउंड माइंस में, उसको हम देखते हैं एक एक करके। होल्स आर ड्रिल्ड हैविंग डायमीटर 3 mm मोर देन द डायमीटर ऑफ द एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज। कहने का मतलब है कि हमारा जो एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का जो डायमीटर है उस डायमीटर से ज़्यादा होना चाहिए होल्स का डायमीटर, ताकि जो हम एक्सप्लोसिव को उस होल में डालें तो वो इजीली उस होल्स में इंसर्ट हो पाए। तो सबसे पहला है कि होल्स आर ड्रिल्ड हैविंग डायमीटर 3 mm मोर देन द डायमीटर ऑफ द एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि उस पार्टिकुलर होल को डिटेक्ट करना कि कहीं पे वहाँ पे क्रैक तो नहीं है। यदि उस होल्स में क्रैक होगा तो हम वहाँ पे चार्ज नहीं करेंगे एक्सप्लोसिव को। और जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमर कार्ट्रिज, यानी कि एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज के अंदर में हम डेटोनेटर को इंसर्ट करेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो हो दोस्तों फेस से लेकर 18 मीटर तक की दूरी में हम इन्फ्लेमेबल गैस का जांच करेंगे। जांच करने के बाद दोस्तों यदि वहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट होता है तो उसे हमें इन्फ्लेमेबल गैस को वेंटिलेशन के द्वारा उसे हटा लेना पड़ता है, तभी जाके हम उस पार्टिकुलर होल में एक्सप्लोसिव को इंसर्ट करते हैं और बाद में हम फिर जाके उसे ब्लास्ट करते हैं। पांचवा स्टेप है वो है कि चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोसिव इज डन, यानी कि उस पार्टिकुलर होल में हम एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज को इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों हम स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज है वो बाहर की ओर निकले ना। और जो सातवां स्टेप है वाटर सप्लाई और स्टोन डस्टिंग इज डन विद इन द 90 meters ऑफ फेस। फेस से लेकर 90 meters के दूरी में हम वाटर सप्लाई और स्टोन डस्टिंग करते हैं। आठवां स्टेप है वो है कनेक्शन आर डन इन सीरीज। दोस्तों यहाँ पे हम जो कनेक्शन करेंगे वो सीरीज में करेंगे। जो नौवां स्टेप है वो है ले डाउन द शॉर्ट फायरिंग केबल्स। जब हमने सीरीज कनेक्शन कर लिया उसके बाद हम दोस्तों शॉर्ट फायरिंग केबल्स को ज़मीन में बिछा देंगे। अब जो दसवां पॉइंट है ए गैस टेस्ट फॉर इन्फ्लेमेबल गैस एंड इफ इट इज़ फाउंड देयर शॉर्ट आर नॉट डन अनटिल द गैस इज क्लियर, यानी कि फिर से हम एक बार पुनः इन्फ्लेमेबल गैस का जांच करेंगे। यदि इन्फ्लेमेबल गैस वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम उसे बिना इन्फ्लेमेबल गैस को हटाए बिना हम वहाँ पे एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट नहीं करेंगे। अब जो 11th पॉइंट है वो है टेक शेल्टर एट मिनिमम 2 right angles फ्रॉम द फेस। फेस से लेकर 2 right angles तक में हम मिनिमम शेल्टर यानी कि छुपते हैं। 12th स्टेप है वो है शॉर्ट वार्निंग एंड इंश्योर दैट द प्लेस इज सेफ फॉर ब्लास्टिंग, यानी कि जो हमारा शॉर्ट फायरर है वो आवाज़ लगाएगा कि होशियार होशियार या फिर खबरदार खबरदार। उसके बाद दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो इंश्योर करता है कि
वो जो प्लेस है जहाँ पे हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों जॉइनिंग द शॉर्ट फायरिंग केबल्स विद द टर्मिनल्स ऑफ द एक्सप्लोडर। इसके बाद दोस्तों जो हमारा शॉर्ट फायरर है वो केबल्स वायर को एक्सप्लोडर के टर्मिनल्स में जोड़ेगा। जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो शॉर्ट फायरर है वह पुनः एक बार फिर से वार्निंग लगाएगा। उसके बाद देखेगा कि यदि वो प्लेस सेफ है ब्लास्टिंग करने के लिए तो वह एक्सप्लोडर के अंदर में की को इंसर्ट करता है। इंसर्ट करने के बाद उसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट हो जाता है। और जो लास्ट स्टेप है वो है 5 मिनट के बाद वो शॉर्ट फायरर फेस में जाके जांच करेगा। आफ्टर 5 मिनट्स इंस्पेक्ट द फेस। ये सभी थे प्रोसीज्योर ऑफ शॉर्ट फायरिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।